नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। क्या ये तेरे साथ आने से अच्छा उस पांडे के साथ ही आया होता तो जो भी लड़की थूक के जाती ना तो मुंह धोने के बहाने उसके घर तो जाता। तेरे साथ आने का कोई फायदा नहीं। अभी अचानक यहाँ पे तेरे सामने पूर्णी आ जाती तो तू क्या करता? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ यार, अगर वो आई ना तो उसे ऐसे कस के पकड़ूंगा और पूरी तरह सपनों में खो जाऊंगा। उसके बाद चाहे जो होगा सब देखा जाएगा। तू तो बहुत हिम्मती है यार। हिम्मत नहीं, लव है यार, लव। तुझे छोड़ दिया तो तू गाना गाने लगेगा, वहाँ सब इंतजार कर रहे। चल अभी चल। तो सपना भी नहीं देखने देता। अरे सपने में क्या रखा है, हकीकत में जी के देख यार। तू भी ना कभी। अरे चल निकल 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 यहाँ से। और मेरे हाथों से कैसे बचते हो मैं भी देखती हूँ। यार सारे शहर की लड़कियाँ हमें देख के डरती है और हम लोग इसे देख के डर रहे हैं। ये क्या बात हुई यार, अपनी रेपुटेशन का सवाल है यार ये तो। गाड़ी नहीं रोको, गाड़ी से उतरो। कौन से गांव से आए हो? हाँ हे गोरिल्ला, ये तो तुझसे पूछ रही है। ए, तुमसे पूछ रही हूँ। गुल्लीहाटी। दिमाग तो ठीक है ना? हाँ मुझे क्या हुआ है, जानती हो अब तो मैं सिक्स पैक बनाने वाला हूँ। अच्छा तुम्हारे पैक्स तो मैं बनाती हूँ, जब देखो तब मुझे घूरते रहते हो, चिढ़ाते रहते हो, छेड़ते रहते हो, घर के नीचे खड़े होकर दांत दिखाते रहते हो। क्यों बे, मुझे क्या समझ रखा है तुमने? हाँ मैंने आपको कब देखा मैडम? मैं तो आसमान में देखता रहता हूँ, चाहो तो गोरिल्ला से पूछ सकती हो। सॉरी पंकज, इसमें हम लोगों को मत फंसा, हम तो बजरंगबली के भक्त है ना। ए मुझे किसी गोरिल्ला या चिंपैंज़ी की गवाही नहीं चाहिए। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मुझे देखने का मुझे लाइन मारने का लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? अरे मैडम लेकिन मैंने आपको कब देखा, उल्टा आप ही मुझे देख रही हैं। क्या हमें देखने की भी आजादी नहीं है? ए, एक दूंगी ना तो बंदर जैसा चेहरा बन जाएगा, फिर तुम्हारी इस शक्ल को कोई देखेगा भी नहीं। वैसे कभी अपना चेहरा तुमने आईने में देखा है क्या? मुझे क्या हुआ है, थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लूंगा तो आप जैसा दिखूंगा, क्या बोलता है? मुझे टॉन्ट मार रहा है क्या? यही मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर आज के बाद मुझे घूरा, मुझे चिढ़ाया, मुझे छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किया तो तेरी चमड़ी उधेड़ के तेरे घर के दरवाजे पे टका दूंगी। आपको चमड़ी निकालना आता है? लेकिन पांडे ने तो ऐसा कहा था कि आप ब्राह्मण हैं। तेरी तो अभी हेलो हेलो, कैसे हो मास्टर जी? मैं ठीक हूँ, कौन बोल रहे हैं? आगे भी ठीक से रहना चाहते हो तो वो जमीन को जल्द से जल्द खाली कर दो। कैसी बात कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब है? कौन है आप? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, तू जिंदा रहे ये ज्यादा जरूरी है, एक बार फिर से सोच ले मास्टर। क्यों भाई मुझे धमकी दे रहे हो? ए मास्टर, तू जो चाहे वो समझ ले, अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तुझे तेरे ही घर के सामने फुटपाथ पर भिखारियों की तरह जीना पड़ेगा। ऐसी गुंडागिरी और दादागिरी मेरे दादा के जमाने में ही खत्म हो गई थी, अब पुलिस का जमाना है, सभी स्ट्रांग हो गए हैं, ये धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। अगर आप कुछ ज्यादा बोला ना तो पुलिस में कंप्लेंट करवा के अंदर करवा दूंगा, सावधान रहो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उस जमीन पर कैसे कब्जा करना है, जा मास्टर जो कर सकता है वो कर ले। फनक पे। और वहाँ पर इतनी बड़ी सेल थी कि मैंने फिर सब कुछ ले लिया। यही है ना? हाँ हाँ सच में? हाँ ना। हाँ ठीक है, कितना हुआ? 25 रुपए। ये लो। हाँ बढ़िया। अरे मेरे पैसे! आजकल तो लेक्चरर्स का दिमाग ही दिखाने पर नहीं। मेरे 100 रुपए लेकर भाग गया वो। चला कोई बात नहीं, ये पता कहाँ है जरा बताओगी बेटी? बता दो। एक नंबर रोड, दूसरी नंबर गली, यहाँ से। अच्छा अरे पापा! किसने बुलाया मेरे बेटे की आवाज़ दिया? ऊपर मैं ऊपर हूँ। ओहो यहाँ ऊपर हूँ मैं। अरे वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? ये मेरा बेटा, ये लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जा मैं आ रहा हूँ, रुकिए वहीं पे। ये तो जो चौराहे पे मंदिर है उसके पुजारी के जैसा है। अरे यार ये बहुत खड़ूस आदमी है। अरे जब तक ये ऊपर आएंगे ना चल के रूम साफ कर देते हैं। चल चल चल। क्या पापा, अगर पहले ही बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं आपको लेने के लिए बस स्टैंड आ जाता ना। देखो आने के पहले स्वागत करवाना ये सब हम लोग का काम नहीं है, ये तो राजाओं का काम है। मेरे पिताजी हैं ये। प्रणाम कर। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सब ठीक है?
ये दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ पापा। सुनो क्या पापा? इसमें से वो कौन है जो फोन पर बात कर रहा था? मंकरिया पंकरिया कौन है जरा दिखाओ। अरे अंकल वो गांव गांव चला गया है। ऐसा क्या? मेरे पिताजी तो भगवान के समान है। ऐसा ये मेरा मतलब है पंकज कहता रहता है अंकल। अंकल आपकी बहुत इज्जत करता है आपका बेटा, बहुत इज्जत। इज्जत तो ठीक है लेकिन अभी खिला क्या रहे हो तुम लोग? वो कुछ खाना वाना बनाया है क्या? जी बस अभी बनाने जा रहा हूँ। अभी तक नहीं बनाया? सामान ही नहीं है तो खाना कैसे बनाएंगे? क्यों तुम लोग बाहर होटल वोटल में खाते हो क्या? पानी दूं आपको? नहीं नहीं नहीं, नमक उमक रखे हो क्या? नमक चाहिए? हाँ जाओ लेकर। अबे पुजारी यही है क्या? कैसा है रे तेरा बाप? ये लो पकड़ो, इसमें छेद करके दिया बनाकर जला देना। अब ये दारू और नमक अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी की तरह है। ओ पगले, वो थैली है ना उसमें तेरी माँ ने रोटी और सब्जी भेजी हुई है, उठा ला इधर ला। हाँ पापा। हाँ ये है खाना, सब लोग पेट भर के खाओ। हैं खाओ खाओ खाओ, बढ़िया पेट भर के, बहुत बढ़िया। ए कैसे खा रहा है यार ये? और ऐसे क्यों देख रहे हो? खाओ तुम लोग भी खाओ। ना हमें सब खाने की आदत नहीं है। आदत नहीं है? नहीं नहीं वो नहीं नहीं, 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 नहीं। अरे तुम लोग इंसान हो या कुछ और हो, ये सब खाना चाहिए, अच्छी चीज है। खाओ खाओ, होटल का खाना तुम लोग खाते हो ना, इसीलिए घर का खाना तुम लोग को पसंद नहीं आता। घर का खाना चाहिए हमेशा, समझे? दम शुद्ध होता है खेत का। ऐसे रोटी को तोड़ कर इसमें सब्जी डाली, थोड़ा मसाला डाला, नींबू और ये, हाँ ऐसे ये मिलाकर सब लोग खाओ। घर का खाना खाकर कितने दिन बीत गए पापा, इसीलिए तो लेकर आया हो बेटा। खा लो खा लो खा लो, घर का खाना खा लो, खिलाओ खिलाओ सबको खिलाओ। खाना इसे बेटा। कैसा लगा? वाह। अरे मुंह क्यों देख रहे हो अंकल? इसे भी खाना है? अरे हाँ मिर्ची के साथ खाओ। खाओ अच्छा खाओ ना। अरे खाओ ना खाओ ना, तुम भी खाओ अंकल। खाना कैसा लगा बेटा? बहुत बढ़िया। माँ के हाथ का खाना खाकर कितने दिन बीत गए ना पापा। तुम्हारी माँ ने कितने प्यार से बनाकर भेजा है। क्या बात है बेटा, तुम लोग रोने क्यों लगे हैं? मुझे अपने माँ की याद आ गई। मुझे भी मेरी माँ की याद आने लगी। अंकल एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। क्या है बेटा? मुझे भी मेरी माँ की याद आ रही है। अरे खुल कर रोने का मन कर रहा है, 10 मिनट रोने के लिए वहाँ कोने में जाकर रोवाऊं क्या? रोने के लिए परमिशन मांग रहा है तू? अरे खाना खाता रहा, मिर्ची काटता रहा, यहीं बैठ के रोता रहा, किसने मना किया? खाना खा खा, रो भी, तुम भी खाओ ना, खाओ ना, पक्का खा लो, खाओ 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 खाओ। अंकल बेटा तुम भी खाओ, ये लो। इन लोगों को इनकी माँ की याद आ रही है, ये लोग अपनी माँ से बहुत दूर है ना। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, प्रभु के गुण गाओ। बेटा भैया हो गया, एकदम पेट भर गया। बेटा अब मैं चलता हूँ,
अरे बाबा इतनी जल्दी भी क्या है, दो दिन रुक जाओ। अच्छा, अब क्या हो गया? माँ की याद। ठीक है, शांत हो जाओ ना बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, शाम तक मुझे गांव पहुँचना है, तू संभल कर रहना, चिंता मत करना। अगली बार आऊंगा तो और बड़ी वाली मिर्ची लेकर आऊंगा तुम लोग के लिए, ठीक है? किसी को भेजते हैं तो रो करके नहीं, हंस के भेजते हैं। अच्छा बेटा चलो, चलता हूँ बेटा। क्या है ये, खाने के लिए ही है ना, मुझे मारने का इंतजार कर रहा था। खाना नहीं है ये, बिरयानी, दम बिरयानी, चाप सब मंगवाया है, पेट भर के खाओ, पूरा खत्म करना है, समझ गए? अगली बार इस तरफ नहीं आऊंगा भाई, इस बार छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे भाई। मेरे एरिया में घुसकर मेरे ही कस्टमर से हफ्ता वसूल करने के अलावा मेरे ताकत के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, हाँ? भाई अगली बार मैं बेंगलुरु में इंटर भी नहीं करूंगा भाई, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ए सुनो बाहर वालों, इस जगह को अपना ससुराल समझ रखा है क्या? ये मत सोचो कि कोई पूछने वाला नहीं है, कान खोल कर सुन लो सब, अगर अगली बार से मेरे बिजनेस में सर घुसाया, मेरे एरिया के गरीबों से अगर पैसे वसूल किए, तो तुम लोगों के साथ क्या करूंगा पता है? छोड़ दो, जान ले लोगे क्या भाई? नहीं रे, हैदराबाद बिरयानी, कुंटूर का चिकन, आम्बुल बिरयानी दूसरों को खिलाऊंगा। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, जाओ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। कैसे भाई? भाई माल। शाबाश। ए ए दे ना दे। तुम लोगों के बीच की ये दोस्ती कदर, इतने सालों से मैं इस जगह पर हूँ, आज तक कभी ऐसी नहीं देखी।